नमस्कार, आपका अक्षता क्लासेस में स्वागत है। आज हम रामधारी खंड एक की प्रतिलेखन संख्या 55 की डिक्टेशन करेंगे, जिसकी स्पीड 60 शब्द प्रति मिनट होगी। आपकी डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में शुरू होगी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की ना हो,
ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी, इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।